आपदा से मुआवजा बनता उ मिले के चाहिए परिवार के, ताकि ये परिवार बहुत गरीब बा। और तेरा के अनाज नहीं के कमालन तो खालन ना कमालन तो उपास से पर चलन बाबू भैया से मांग के ले आके कर्जा पैसा खोज के खाला लो सब हो जाए। नमस्कार, हम बनी अमरजीत कुमार गिरी, रेवा देखा था नहीं भोजपुरिया झकोरा भी हम बानी गोपालगंज जिला के सिधवलिया प्रखंड के बखरौर पंचायत में। और एगो सौ मिलल बा एजी के पोखरा में, जौन की बखरौर मौजे पड़ी। बखरौर मौजे के पोखरा में एगो लड़की तारकेश्वर प्रसाद जी के पुत्री के सौ मिलल बा, नाम बा राधा कुमारी। हम चलते नहीं घटना पर एजी सिधवलिया थाना भी पहुँचल बा, थोड़ा हटी लोग हटी लोग सिधवलिया थाना भी एजी पहुँच चुकल बा और तमाम बातचीत हुई। हटी चाची थोड़ा सा साइड दी हमरा के, देख सकते नहीं कि हमने के बानी सने जी बखरौर मौजे में और पंचायत के नाम बा बखरौर, जहाँ पर स्थानीय लोग इकट्ठा भइल बा और सिधवलिया थाना भी मौका पर पहुँचल बा। कैमरा मैन से चाइम फोकस कर खाती तो संकेत अब एक बार पूरा दिखा दे, आसपास के लोग एक बार दिखा दे। मौका पर तमाम लोग जी पहुँचल बा, एजी के स्थानीय जनप्रतिनिधि पूर्व सरपंच सब लोग जी पहुँचल बा, तमाम बातचीत हुई। सिधवलिया थाना के थाना अध्यक्ष भी पहुँचल बने जी, देख सकता नहीं कि राधा कुमारी नाम पड़ी तारकेश्वर प्रसाद जी के पुत्री। आसपास के लोग बतावता पहचान के रूप में बखरौर मौजे घर पड़ी और पिता के नाम पड़ी तारकेश्वर प्रसाद और लड़की के नाम पड़ी राधा कुमारी। हमारा साथ में माने बखरौर पंचायत के मुखिया जी के जनप्रतिनिधि का कहें घटना के बारे में। देखिए, घटना के बारे में हम ये कहे चाहें कि 14 वर्षीय जौन लड़की बाड़ी, ये लड़की पढ़त रही है, बाप मातारी जे बा मजदूरी करके पालन पोषण करत रह। आ देखते बानी बरसात के मौसम बाद दिन रात पानी होखता, सोच करे खातिर महिला लड़की लोग इन्हें आवेला, बगल में पोखरा बा। क्रियाक्रम के अवस्था में ही लड़की आइल बड़ी, अंदाजा कल जा सकता एगो अंदाजा के जी जी पर। हाँ, तो पैर और फिसल गई हुई, पानी अथाह बा ऐसे डूब गई बड़ी। तो हम ये आग्रह करें सरकार से, हुआ माइक्रोफोन के माध्यम से चैनल से, कि जौन सरकारी मुआवजा बा वो मुआवजा अति शीघ्र मिले के चाही। काहे कि मृतका के पिता जिन बारन वो खोज छानबीन करे खातिर खोजे खातिर कई गांव में गई बारन, मतारी बेहोश पड़ल बड़ी, चाची बेहोश पड़ल बड़ी, परिवार के लोग में मातम बा। हम सब यहाँ जनप्रतिनिधि पहुँचल बानी सन, एमे मदद कर रहल बानी सन, स्थानीय हमार थाना के बड़ा बाबू भी माननीय रंजीत पासवान जी बानी यहाँ के देख रेख में, इलाज के पोस्टमार्टम हेतु जौन बा। अच्छा, का बात भैया बड़ा बाबू, हालांकि कैमरा में आके कुछ बोलत नहीं, बगल में खड़ा बानी, का बोले का बातचीत भैया बड़ा बाबू से। देखिए, बड़ा बाबू के हम सूचना देनी है, बड़ा बाबू बहुत जल्दी यहाँ पहुँचे के काम कैले बानी, वहाँ के मदद कर रहल बानी, ठीक बा। पोस्टमार्टम करे खातिर लाश हम खुद स्वयं जाए साथ में, हमारे पंचायत समिति के सदस्य जिन बारन भाई केदार भाई के लड़का शशि भूषण भी जइहन संगे, हमनी के घरेलू घर के बात बा, पंचायत घर है, हमनी के जहाँ तक हुई वहाँ तक हमने में मदद करम सन। सरकार से मुआवजा लेवे खातिर अफसर अधिकारी दफ्तर भी पहुँचे के काम करम सन, यहाँ बड़ा बाबू जौन बानी हमनी के साथ रह के सहयोग कर रहा बानी एकरा के निकाले। एक और गंभीर सवाल बनता मुखिया जी, रोरा पंचायत के जनप्रतिनिधि बनी, फिर भी महिला लोग लड़की लोग शौच करे बाहर का आया होता, क्या शौचालय के निर्माण पंचायत में नहीं भइल? जी ना, शौचालय के निर्माण पंचायत में भइल बा। अब एमें अगर शौचालय के निर्माण रही, शौचालय घर में रही, तब बहन बेटी के बाहर निकले के ना पड़ी, आज घटना ना हो, ठीक बा। शौचालय घरे घरे बा, ऐसा बात नहीं है, शौचालय सरकार के तरफ से भी बनावल गई बा, ठीक बा। लेकिन कुछ मान लेता नहीं, जैसे 5% 3% लोग बा जैसे बाहर आवता, तो ये तो माने ठीक नहीं है, लोग के अपना शौचालय में जाए के चाहिए शौच करे हेतु। अब घर से बाहर जे निकलता ओकर यह न दुर्दशा हुई।
घर से बाहर कुछ लोग जाते हैं, शौचालय सब कोई बन गया, शौचालय घरे घरे बा शौचालय, ऐसा बात थोड़ी बा, शौच करे के आदत जेकर बाहर बा तो बाहर आवता तो क परसेंट लोग बा, 1% 2% ऐसा लोग बा जोन बाहर शौच करे के आदत लगैले बा। चलिए अंकित जी बाहर चलिए, पूर्व सरपंच हमारा साथ में बने, यहाँ से भी बात करब हमारा साथ रमेश जी बने, आप पीछे चली पीछे चली पीछे चली। अब देख सकते हैं कि तमाम लोग जी इकट्ठा बाबे, पूर्व सरपंच रमेश जी हमारा साथ में बने, हालांकि सिधवलिया के थाना अध्यक्ष बड़ा बाबू बोले के तैयार नहीं कहते कि मास्क हमारे पास में नहीं, हालांकि सब कोई बिना मास्क के पहुँचल बा अभी वहाँ के, बिना मास्क के बोले के तैयार नहीं की। हम सोचनी है कि दो शब्द लियाओ बड़ा बाबू से ताकि ये परिवार के राहत मिलो जौन की घटना घट गई बा, जौन भी मुआवजा आपदा से बनता। रमेश बाबू सबसे पहले का सवाल रहुआ से घटना के ऊपर सबसे पहल का कमेंट पूर्व सरपंच के नाते कार है जी, गरीब परिवार के बच्चे भी है, शौचालय वगैरह घर में रहे तो बाहर शौच करे ना आई, ठीक बा ना, जौना के नतीजा भैल बा कि वायल भी है पैर फिसल बा गिर के मर गई भी है। हम तो सवाल पूछनी है कि शौचालय अगर रही थे जी स्थानीय जनप्रतिनिधि से तो बाहर क्यों ना आई, तो वहाँ कहते सब कोई के बन गई, सब कोई के बन गए रहे थे, केहू काहे बाहर जाए शौचालय करे, सब कोई के बनल नहीं है पैसे पंचायत ओडीए। अब रमेश जी एकजा देवे खातिर और का प्रयास रही, मुआवजा देवे खातिर हमारे प्रयास रही कि सीओ साहब से बात करके, कुछ लोग बोल रखा कि सीओ साहब भी आओ तन, लेकिन सीओ साहब अभी तक पहुँचनी ना आए, जब तक सीओ साहब ना आए तब तक एजा से लाश ना जाए पोस्टमार्टम में, वही ला हम निबानी सर आई वहाँ का मुआवजा के आश्वासन दी कि हम मुआवजा दे बिल्कुल लाश जाइए जैसे हमारे तो ये प्रयास बा। लेकिन का आश्वासन मिलने के बाद रमेश बाबू मुआवजा मिल पाई, मिल पाई आश्वासन जब देंगे अधिकारी आश्वासन देगा तो मुआवजा मिलेगा, डूबने से आपदा से जो सरकार राशि तय की है 4 लाख रुपया, 4 लाख रुपया उसके परिवार को मिलेगा, हमको तो उम्मीद है बशर्ते कि अधिकारी यहाँ आए, अधिकारी के मौका पर पहुँचे जी, अधिकारी को मौका पर पहुँचना चाहिए, अगर अधिकारी नहीं पहुँचा तब ना जब तक कैसे जाए पोस्टमार्टम में, अधिकारी को बुलावल जाइए जा, अभी तक कहला ना सीओ साहब, सीओ साहब जबकि उपलब्ध बना, बड़ा बाबू कुछ बोले के तैयार नहीं, बड़ा बाबू तो कुछ बोले के तैयार नहीं की, एकरा के का समझल जाओ, तो अभी समझ में आ जाए ना जे का समझल जाए, लसवा निकलने के बाद में जो पोस्टमार्टम में जाता कि नहीं जात, ये सब लोग ना जाए पोस्टमार्टम में, मैंने कहा हमें नहीं बोला कहानी तुरंत पता चल जाए थोड़ा देर में, हाँ पता चल जाए। चलिए लगातार हम बनल बनिया के पूर्व सरपंच रनिया बखरौर पंचायत के लगातार हकीकत देखा के प्रयास, भोजपुरिया झकोरा के बाद हमें पहुंचे रहनी सन गोपालगंज जिला के सिधवलिया प्रखंड के बखरौर मौजे में बने सन, ये बखरौर पंचायत बा हमारा साथ में रनिया जी के पूर्व सरपंच रमेश कुमार सिंह और तमाम बातचीत भैया, यहाँ के प्रयास बा जी के स्थानीय जनप्रतिनिधि संतोष पटेल के भी प्रयास बा कि मुआवजा के जो राशि बा 4 लाख रुपया परिवार के मिले के चाहिए, जैसे भी होके परिवार के मुआवजा दिलवावल जाए, जौन भी संबंधित अधिकारी बा बुलाव के प्रयास घटना स्थल पर करे के तमाम लोग करता कि अधिकारी जे बा घटना स्थल पर पहुंचो और परिवार के 4 लाख जो आपदा से मुआवजा बनता वो दिलवावल जाओ। हमारा साथ में माने एजी के स्थानीय जिला परिषद सदस्य सरिता देवी, तमाम बातचीत हुई का कहे में घटना के बारे में, सबसे पहले रहुआ जब देखनी है डेड बॉडी तो मन में का ख्याल आई, का सोचनी है रहुआ? बहुत दुखद घटना बा, इस दुख के घड़ी में भगवान परिवार के सहन शक्ति देश की दुख झेल सके, रहल बा सरकारी मुआवजा के तो वो तो मिली ही, सोच के बात बा तो शौचालय तो बा, अब नहीं हर घर के तो डिटेल मुखिया प्रत्याशी लोग बानी चाहे मुखिया जी बानी सब मालूम बा, हम तो जिला पार्षद बानी चाहे पंचायत के बानी सब मालूम बा, लेकिन ये सब भी थोड़ा अपना पर भी महिला होके चाहे लड़की होके ये सब के ख्याल होके के चाहिए, बारिश के समय बा हर जगह पानी बा, थोड़ा अपना भी सावधानी चाहिए, रहल बात भगवान अब कैसे कैलन अब प्रशासन आयल भी बा, अब तो सब सामने ही आ जाए, प्रयास रही जो मुआवजा आपदा से मिले बिल्कुल मिली मुआवजा मिली। चलता ने वो लड़की जो राधा कुमारी के डूब के मौत भइल बा पोखरा में, वो परिवार के पास में हम पहुँचा था नी, अच्छा यहाँ के माँ है ना हो जाए बैठ बाबू तनी होने जा, कब के घटना है? 7 बजे बहरी गिर गई बिछला, सुबह 7 बजे घटना है कि कल शाम के, कल शाम के 7 बजे घटना है, माने कि कल 23 के शाम के घटना है, 23 अगस्त के शाम के 7 बजे शौच करे गई रही बिछला गईली, संगे और केहू ना गई रहे अकेले गवी के ना जगह के ले गवी कोई के घरे कोई के नहीं खी गई घरे केहू के कह के नहीं ना बाहरी जानी सन तो वो सोच ले बड़ी कि हम बाहरी चल जाए ठीक बा, तो जैसे बैठ के गल बड़ी न पानी यानी खाती तो उनमें पैर भी छिल गई बा, तो हमने के मालूम ना रहे तो कुछ देर बीत गए तो हमने के चारू बार खोज ले बनी, हमने के तो शक ना रहे कि पोखरा में गिर जाइए, तो हमने के हित पौनाई चारू बार छानबीन करतनी से, तो हमने के सुबह में पता लागल के रही राधा हमार बेटी रही है, हम बड़की मम्मी है उनकर, अच्छा उनकर बड़की मम्मी है रहुआ, यहाँ के माँ है राधा के,
तो अभी वहाँ के डेड बॉडी लोग निकालता, अभी का प्रशासन से शासन से का मांग करे रहुआ? आधार कार्ड बा? हाँ। आधार कार्ड बा लड़की के? बाटे। को बेटी रली हेलो? दो जाना। अच्छा एक जाना है बेटा, बढ़िया। बेटा दो जाना, बेटा दो को बेटी। तो एक बेटी, एक बेटा लंगड़ हमन, एक बेटा नीमर लहन, उनका पैर के लंगड़ हमन। चलिए कल शाम के 7 बजे के घटना बावे, जैसे कि लड़की के माँ बानी यहाँ के बताओ तनिक, शाम के 7 बजे के घटना बा। सोच करे अकेले गई बड़ी, हो सकता कि पैर बिछिल गई हुई, गिर गई हुई हैं, और वहाँ के बड़े बड़की माँ बानी वहाँ के भी यह सेम बात बताओ तनिक, कि हो सकता कि गई बड़ी पैर पिछिल गई हुई वहाँ के गिर गई बानी। और भोजप्रिया झकोरा भी स्थानीय प्रशासन और शासन से मांग करता कि ये गरीब परिवार बा, ये गरीब परिवार के जौन भी आपदा से मुआवजा बनता वो मिले के चाहिए परिवार के, ताकि ये परिवार बहुत गरीब बा। और तेरा के अनाज नहीं के कमालन तो खालन ना कमालन तो उपास से पर चलन, बाबू भैया से मांग के ले आके कर्जा पैसा खोज के खा ला लो। देख सकते नहीं कि परिवार के ऊपर पहाड़ टूट पड़ल बा, काहे कि राधा अब ये दुनिया में नहीं थी, राधा के मृत्यु हो चुकल बा, परिवार में कहीं ना कहीं मातम बा कि राधा के मौत हो गई। ये गरीब परिवार बा, लेकिन रौरा घर में शौचालय नहीं है? शौचालय बा, मतलब बाढ़ से पूरा भंस गई बा, ठीक बा, तो कीड़ा निकल गए तो मैं डरे ना जाला लो, ठीक। शौचालय बाटे? हां बाए, बाढ़ से भंस गई बा, बाढ़ से भंस गई। हां तो चलिए लगातार हमने के बनल बानी सन हकीकत दिखावे के प्रयास, भोजप्रिया झकोरा के लगातार बाबा जी बानी वहां के।